Hey guys, Assalamualaikum. I'm doing great and hopefully आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे. Literally मैं कोई 10वीं बार अपना इंट्रो रिकॉर्ड कर रही हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रही हूँ. आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक छोटा सा मिनी शॉपिंग हॉल. I went to shopping और सर्दियाँ ख़त्म हो रही हैं तो ये स्वेटर को हमें कहना पड़ेगा बाय शाय. और अब आते हैं अपनी शॉपिंग पे. आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने अपनी समर की शॉपिंग कैसे स्टार्ट की और क्या लिया है मैंने और मेरी समर की क्या तैयारियां हैं. अगर आपने भी वैसी तैयारियां करनी है तो फटाफट से जाके वो चीज़ें ख़रीद लो. अच्छा, वैसे मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है, ब्रांड्स को ही फ़ायदा होना है. तो अगर ख़रीदना चाहते हो तो कुछ मैं आप लोगों को ऑप्शंस दिखा दूंगी कि मुझे ये पसंद आया तो आपको भी पसंद आ सकते हैं, तो आप वही चीज़ें खरीद सकते हैं. अच्छा, जब मैं शॉपिंग के लिए जा रही थी तो मेरे माइंड में बिल्कुल ये बात नहीं थी कि ये वाली चीज़ें मैं ख़रीदने वाली हूँ. मेरे माइंड में यही था कि हाँ, अगर कुछ अच्छा लग गया तो ख़रीद लेंगे. बट आई गेट अ लॉट ऑफ स्टफ. इतना सारा सामान मैंने ख़रीद लिया. अगर आपको देखना है कि मैंने क्या क्या ख़रीदा है और अगर आपको उसमें से कुछ अच्छा लगे, आप अपने लिए ख़रीदना हो. और लिटरली यार, इतने सारे ब्रांड्स पे इतनी सारी सेल्स लगी हुई थी. बनाएगा सतरंगी, खाड़ी और इसके अलावा कौन सा था, जलबरी. और शूज़ के लिए स्टाइलो पे, मेट्रो पे, इंडोर पे और डायनेस्टी पे और मतलब काफ़ी सारे ब्रांड्स पे सेल लगी हुई थी. लिटरली आपको 10,000 की चीज़ पुनैदा सतरंगी पे आपको 10,000 की चीज़ 5,000 में मिल रही थी. तो बस मैंने कहा बस तेज़ हो यार ये मुझे. और बात यार कि आई वेंट टू आउटफिटर्स, आई वेंट टू ईडन रोब, आई वेंट टू गुल अहमद. सबकी जो समर कलेक्शन थी इतनी कोई बकवास किस्म की समर कलेक्शन थी. एक खाड़ी और बोनेंजा. खाड़ी की जो अनस्टिच कलेक्शन है वो इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उनकी स्टिच कलेक्शन बहुत बहुत खूबसूरत थी. और जो बोनेंजा सतरंगी है उसकी जो प्रेट कलेक्शन, रेडी टू वेयर कलेक्शन थी वो बस ओके ही थी. और उनकी जो अनस्टिच कलेक्शन थी वो बहुत अच्छी थी. बाकी अगर आप ईडन रोड पे जाने का सोच रहे हैं तो मत ही जाएं. उनकी कलेक्शन बहुत ही, एक तो उसमें कुछ नया था नहीं, नया तो वैसे इनमें भी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ये वो वाली चीज़ें हैं जो आपको ये नहीं लगता कि यार ये मैंने पहले देखी हैं या मैंने ये पहले पहनी हैं या मैंने किसी को पहने देखी हैं. आई थिंक बहुत ज़्यादा तरीन बकवास हो गई है. अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों को चीज़ें दिखाने के लिए. और ये पटाखे पता नहीं क्यों हो जा रहा है यार इस टाइम. ओके गाइस, तो जो पहला पहला शॉपिंग बैग जो हम खोलने जा रहे हैं वो है जलबरी का. और वहाँ से मैंने लिया एक, ये एक फ्रॉक है और उसके साथ ये वाली कैप्री है. लेट मी ओपन इट एंड आई विल शो यू. ये वाला है जी हमारे पास कुर्ता. ये कुर्ता नहीं है, ये एक फ्रॉक स्टाइल में है हमारे पास, इस तरह करके कुछ. और इसके यहाँ पे ये बॉर्डर है और इसके कलर बहुत ही खूबसूरत हैं. और ये रहे जी इसके स्लीव्स. इसकी नेकलाइन बहुत ही प्यारी है यार. और जो फ्रंट साइड पे उन्होंने ये यहाँ पे प्रिंट हुआ हुआ है वो एग्जैक्टली जो सेम प्रिंट है वो इसकी बैक साइड पे है. इट्स अ वेरी प्रिटी फ्रॉक. और ना ये ज़्यादा लंबी है ना ज़्यादा छोटी है. यू कैन वेयर इट विद जीन्स और आप इसको वाइट ट्राउज़र के साथ. मैंने इसके साथ एक्चुअल में लिया है ब्लू ट्राउज़र. को ये वाला कलर इस कुर्ते के अंदर नज़र आ रहा है ना, ये ब्लू वाला, इस तरह का मैंने ट्राउज़र लिया है. और ये वाला जो कुर्ता था ये जलबरी पे था जी 1590, लाइक ऑलमोस्ट 1600 रुपीज़ में. और जलबरी पे इतने खूबसूरत कुर्ते हैं और काफ़ी रीजनेबल है. अगर यूनिवर्सिटी के लिए शॉपिंग करनी है तो कर लो. यह है ये वाला ट्राउज़र ब्लू कलर में और इसके जो बॉटम पे ये वाली लेस उन्होंने ब्लैक वाली से लगाई हुई है. और ये इसके यहाँ पे ये प्लीट्स हैं. उसके बाद हम आते हैं जी दूसरी चीज़ की तरफ जो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए. और मैं पहले भी आपने मेरी एक्साइटमेंट चेक कर ली होगी जो मैंने खरीदी थी बोनेंजा सतरंगी से. दिस इज़ अ ब्लैक ड्रेस और इसकी
काफ़ी सारे पीसेज हैं एक्चुअल में। ये हमारे पास शर्ट है जो आप नीचे पहनेंगे, और ये इस तरह की ए लाइन सी शर्ट है, और यहाँ पे इसके उन्होंने ये तिल्ले के साथ डिटेलिंग की हुई है, और इसके साथ ऊपर से ऐसे पहनने के लिए ये वाला हमारे पास गाउन है। यह जी हमारे पास गाउन, और इसके बाजुओं पे भी बहुत ही खूबसूरत सी डिटेलिंग है, जकार्ड है ये फैब्रिक, और इस तरह करके एक लंबा सा ये ओवरऑल टाइप चीज़ है हमारे पास, और ये बहुत ही खूबसूरत थी। और इसके जो कॉर्नर है वो भी बहुत ही नीट से बने हुए हैं, ये वाली लेस लगी हुई है, और जो इसका बैन है वहाँ पे भी ये वाली सारी डिटेलिंग है। और इसके साथ सेम स्टाइल में हमारे पास थी ये वाली कैफ्री, ठीक है, इसके भी जो बॉटम पे ये वाली उन्होंने तिल्ले के साथ सारी डिटेलिंग की हुई है। और ये वाला जो थ्री पीस, यानी कि इसके अंदर थ्री पीस हैं, एक जो नीचे आपने एक शर्ट पहनी है, उसके ऊपर से आपने जो ओवरऑल गाउन टाइप पहनना है, और उसके नीचे जो कैफ्री है, ये थ्री पीस सूट था हमारे पास। और ये था जी ऑलमोस्ट 9,700, ऑलमोस्ट 10,000 का था, और ये मुझे मिला है 4,800 रुपीज़ में। और इसके साथ मैंने वहीं से मैच किया ये वाला दुपट्टा, ये सेपरेट था, उसके साथ नहीं था, और इसकी जो सेपरेट प्राइस थी वो है जी 1680, लाइक 1700 रुपीज़, लेकिन बहुत ही खूबसूरत दुपट्टा है। और यहाँ पे इसके ये सारे उन्होंने टसल्स लगाए हुए हैं। तो यस, ये वाला जो आर्टिकल था ना, ये मैं दिखाने के लिए आप लोगों को पागल हो रही थी, को साथ साथ तय करके भी रख लेते हैं, क्योंकि आई डोंट वॉन्ट के वीडियो के एंड पे मेरी मम्मा से मेरी खबारी हो कि ये तुम क्या करके बैठी हुई हो, तो हम इनको साथ साथ बंद कर देते हैं। तो क्या जी, हमारे पास दूसरा आउटफिट, और उसके बाद आते हैं खाटी की शॉपिंग पे। खाटी से ली थी मैंने ये वाले दो सूट, ये दोनों उनकी जो न्यू कलेक्शन है उसी में से थे। पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला, तो एक्चुअली मैंने उनकी एडवर्टाइजमेंट में देखा था मॉडल को पहने हुए, मुझे तभी ये बहुत प्यारा लगा था, तो इसलिए मैंने ये वाला ख़रीदा। वो वाला मुझे वहाँ जाके प्यारा लगा, तो मैंने इसलिए खरीद लिया। लॉजिक वाओ, ये दोनों हमारे पास टू पीस हैं। ये हमारे पास एक सिंपल प्लेन कुर्ता है, और जो इसके स्लीव्स है ना, स्लीव्स इसके बहुत खूबसूरत हैं, बड़ी सारी इसके ऊपर बहुत ही नीट किस्म की एम्ब्रॉयडरी है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी बैक साइड पे, और इसका जो गला है यहाँ पे बहुत ही प्यारे से बटन्स लगे हुए हैं, और यहाँ पे बॉर्डर है हमारे पास, और जो बैक साइड है वो सारी इसी तरह से प्लेन है। इसका कलर बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छा लगेगा समर्स के अंदर। और ये टू पीस था, ये वाला भी टू पीस है, शर्ट और कैपरी नहीं, शर्ट और दुपट्टा, और जो धो वाला है वो भी शर्ट और दुपट्टा ही है। इसके साथ का जो दुपट्टा है वो भी बहुत प्यारा है, ये राजे हमारे पास दुपट्टा, ठीक है, ये दुपट्टा था इसके साथ, और इसके जो एंड्स हैं, कॉर्नर्स हैं, उस पर उन्होंने ये मैजेंटा से कलर के टसल्स लगाए हुए हैं आपको थोड़े से शशके देने के लिए, कि भाई पता चले 5,000 खर्च किया तो हमने दुपट्टे पर टसल भी लगाया। तो जो नेक्स्ट चीज़ है वो है हमारे पास एक और आउटफिट, ये भी टू पीस है, शर्ट और दुपट्टा। अच्छा, पर्सनली मुझे लॉन के दुपट्टों वाले सूट ज़्यादा पसंद आते हैं, मुझे जो सिल्क के दुपट्टे या फिर शिफॉन के दुपट्टे, मुझे लगता है कि वो इतने एलिगेंट नहीं लगते, लॉन के दुपट्टे लॉन के सूटों के साथ ज़्यादा प्यारे लगते हैं। ये हमारे पास शर्ट है, और इसके स्लीव्स बहुत खूबसूरत हैं इसके भी, और यहाँ पे भी उन्होंने ये तिल्ले की डिटेलिंग की हुई है, तिल्ला ही कहते हैं शायद इसको, पता नहीं क्या कहते हैं, किरण तिल्ला समथिंग कुछ इस टाइप का नाम है इसका। और इस तरह के इसके बाजू हैं, और नेक लाइन पे भी ये डिटेलिंग है, टसल्स लगाए हैं उन्होंने, और इसका जो स्टाइल है ना वो बहुत खूबसूरत है। ये एक ए लाइन शर्ट में इसकी शेप है, इसकी स्लिट है दोनों साइड पे, जो इसकी स्लिट है
यहाँ पे भी ये ग्रीन का थोड़ा सा टच दिया हुआ है और ये एक ऑरेंजिश सी पट्टी है दोनों साइड पे और कुछ इस तरह का इसका शेप है। If you guys can see it, वो कुछ इस तरह का सीन है इसका। ये रहा जी दुपट्टा, इसका दुपट्टा बहुत प्यारा है। इसकी जो शर्ट है वो ओवरऑल प्लेन है और दुपट्टा इसका आई थिंक दुपट्टे के पैसे लिए उन्होंने। दुपट्टा इसका बहुत खूबसूरत है, इसका प्रिंट देखिए आप, ठीक है ओवरऑल यही वाला प्रिंट है और ये जो कॉर्नर है ना दुपट्टे के जो बॉर्डर है उस पर ये वाला प्रिंट है। तो यस इसका दुपट्टा बहुत खूबसूरत है, इस पर उन्होंने कोई तसल शसल नहीं लगाया हुआ। और ये वाला जो था ड्रेस ये था 5900 ऑलमोस्ट 6000 का और जो ये वाला ड्रेस है ये वाला है जी 4400 का, लाइक 4500 रुपीज का। इन दोनों को हम बाद में इकट्ठा करेंगे। ओके तो ये थे चार आउटफिट्स जो मैंने खरीदे, दो खादी से, एक जलबरी से और एक बोनांजा सतरंगी से। उसके बाद गए हम एंडियोर और वहां से मैंने दो जूते खरीदे। पहला जो पेयर था शूज का वो था ये वाला, इसका कलर बहुत खूबसूरत है, इट्स अ डीप ब्राउन मैरून मिक्स करके कुछ इसका कलर है। ये वाला पहला पेयर है जो मैंने खरीदा। ये वाले जो शूज़ होते हैं ना इस तरह के, या वेस्टर्न ईस्टर्न जैसे मर्जी कपड़े पहने हुए ना, एक तो कंफर्टेबल बहुत होते हैं और आपके हर सूट के साथ चल जाते हैं। और जो मर्जी कलर पहन लो, जो मर्जी स्टाइल पहन लो, फ्रॉक पहन लो, जीन्स के साथ कोई टी शर्ट पहन लो, जो मर्जी पहन लो और नीचे से ये वाले शूज़ पहन लो, आपकी जो पूरी लुक होती है बहुत ही पुट अप और ऐसे लगता है कि भाई आपने अपनी लुक को थोड़ा बेहतर करने के लिए कुछ किया है। आप ऐसे ही मुंह उठाकर यूनिवर्सिटी या जहाँ भी आप जाते हो वैसे आप नहीं गए। बाद जो सेकंड पेयर है वो भी एंडोर से खरीदा मैंने और वो ये वाला पेयर है। ये भी मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ और प्राइस आई थिंक मैंने पहले वाली क्या नहीं बताई। दिस इज द सेकेंड पेयर दैट आई गॉट। बन जूते अगर आप यूनिवर्सिटी जाते हैं या वैसे आप बाहर जाते हैं तो यार सिर्फ जो बन जूते होते हैं ना वो ही पहने जाते हैं। बन जूते ले लें जो सामने से बंद हों, पीछे से खुले हों, कुछ इस टाइप के ले लें, लेकिन चप्पलें नॉर्मल लाइफ में नहीं पहनी जाती, मुझसे तो नहीं पहनी जाती, तो मेरे पास बिल नहीं है इनका। और जहाँ तक मुझे याद है तो ये वाला जो शू का पेयर था ये मैंने ख़रीदा है 1200 में, क्योंकि एंडियोर पे भी सेल चल रही थी और ये सेल वालों में से ही मैंने ख़रीदा है। और जो ये वाला पेयर है, ये वाला जो पेयर है ये था 1700 और 1800 रुपीज आई गेस, आई एम नॉट श्योर, लेकिन इतने के राउंड अबाउट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा एक और चीज़ जो मैंने ख़रीदी, एक और चीज़ नहीं, दो बेडशीट्स मैंने ख़रीदी, डायनेस्टी पे सेल लगी हुई थी एंड दीज बेडशीट्स आर ऑल्सो ऑन 50% ऑफ। तो एक तो ये वाली बेडशीट ख़रीदी है मैंने अपने बेड के लिए, ये कुछ इस तरह का प्रिंट है इसका। इसके जो पिलोज हैं कुछ इस तरह की है और इसकी जो बेडशीट है वो इस तरह की है। दूसरी वाली भी मैं फ्लोरली ख़रीदने वाली थी बट माई मम्मा सेड दैट कि ये वाली ज़्यादा अच्छी है, तो ये वाली ख़रीदी है मैंने, दूसरी वाली। इसके अंदर ये सारे मोटिव्स बने हुए हैं, पिलोज के अंदर भी, बेडशीट के अंदर भी और कुछ इस तरह से प्रिंट है इसका। ये दोनों ख़रीदी है डायनेस्टी से और डायनेस्टी पे सेल लगी हुई थी और ये सेल से हमें मिली हैं 2000 की एक आई थिंक, जी 2000 की एक हमें मिली है डायनेस्टी से, ये वाली बेडशीट उनकी सेल पे थी। उसके अलावा मैंने ख़रीदी बोनांजा सतरंगी से ये वाली दो नेल पेंट्स और एक ये आप देख भी रहे होंगे पूरी वीडियो में जो मैं ऐसे ऐसे करके करती आ रही हूँ, देख लिया होगा कि बहन ने नई नेल पॉलिश लगाई है। इनफैक्ट बहन ने आपकी ने दो नई नेल पॉलिशेस ख़रीदी हैं और अब वो पूरा साल यही लगाएंगी। यस तो ये वाला मिंट ग्रीन सा कलर है जैसा मैंने कलर का स्वेटर पहना हुआ है और ये वाला जो है ये बहुत खूबसूरत कलर है। शादियां आ रही हैं आगे तो ये वाला बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है और ये वाला यूनिवर्सिटी जाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। वाला जो मैंने लगाया हुआ है मिंट ग्रीन सा कलर ये है 091 और ये वाला जो कलर है ये है जी 038। ओके गाइस तो इसी के साथ हमारा ये छोटू सा शॉपिंग हॉल होता है फिनिश, खत्म शुद्ध। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो गिव इट अ थम्स अप, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लीव योर फीडबैक इन द कमेंट्स। आई लव यू गाइस सो मच, बाय। इसके अलावा वेट एक चीज़ मैं भूल गई, वो ये कि
आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि अगर आपको अच्छा नेल पॉलिश दिखा रही हूँ मैं तो क्या कह रही थी, हाँ, अगर आपको और इस तरह के शॉपिंग हॉल्स चाहिए और आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं, गाइड करूं, और जो लड़कियां यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि यूनिवर्सिटी के लिए आपकी वार्डरोब कैसी होनी चाहिए, अगर आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, या फिर आप अगले साल यूनिवर्सिटी जाने वाले हैं और आप कंफ्यूज हैं कि मैं क्या पहनूं और क्या क्या मेन चीज़ें हैं जो मुझे चाहिए होंगी यूनिवर्सिटी के लिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स में मुझे बता दें, मैं आप लोगों के लिए वैसी वीडियो भी बना दूंगी और मैं उसे शेयर कर दूंगी कि कौन कौन से यूनिवर्सिटी हैक्स वार्डरोब को लेके मैंने किए अपने यूनिवर्सिटी लाइफ में और कौन कौन से हैक्स आपको करनी चाहिए लुक मोर कूल एंड मोर ग्रूम्ड, क्योंकि यूनिवर्सिटी में सबको होता है कि वो अच्छे दिखें। तो बस आप लोगों ने मुझे बताना है और मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके यहाँ पे हाजिर हो जाऊंगी। तो यस गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मेरी इतनी ढेर सारी बकवास होने के लिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना, सब्सक्राइब सब्सक्राइब बस सब्सक्राइब कर दो यार। खुदा हाफिज़।